हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रविवार के शुभ योग में आ रही मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले एक अद्भुत उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। 2023 में 14 जनवरी को रात्रि 8:45 पर सूर्यदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही पड़ रही है। 15 जनवरी को सूर्योदय से प्रारंभ होकर सायं 5:46 तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी रविवार को त्रिग्रही योग में मनाई जाएगी। मकर संक्रांति और रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। तो आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार आज के दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाला एक अद्भुत महा उपाय क्या है। आइए जान लेते हैं मकर संक्रांति उपाय के बारे में। दोस्तों, इस साल मकर संक्रांति कई शुभ योगों और शुभ नक्षत्रों में मनाई जाएगी, जिसमें मकर संक्रांति का स्नान दान व पूजा पाठ किए जाएंगे। ज्योतिष अनुसार 15 जनवरी रविवार के दिन सुकर्मा और घृति योग बनेगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा, जिसमें सूर्योदय से लेकर पूरे दिन दान पुण्य आदि किए जा सकेंगे। इस साल मकर संक्रांति के दिन सूर्य, शनि और शुक्र मकर राशि में रहेंगे, जिससे कि त्रिग्रही योग का शुभ संयोग बनने से इसका महत्व कई अधिक रहेगा। दोस्तों, इस दिन आपको शुभ योगों और नक्षत्रों में कुछ खास उपाय करने चाहिए। इन्हीं में से एक है सूर्य को जल देते समय किए जाने वाला ये एक महा उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के लिए तांबे का लोटा लें और उसमें लाल पुष्प, रोली या चुटकी भर सिंदूर और 11 दाने काले तिल के डालकर सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11-11 बार जाप करते हुए अर्घ दें। माना जाता है कि रविवार के शुभ योग में आई इस मकर संक्रांति पर इस उपाय को करने से न सिर्फ आपका सूर्य मजबूत होता है बल्कि आपको समाज में यश, मान सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। जय श्री हरि।